ये आपको साफ साफ समझ आया कि नहीं आया? समझ गए ना? जो छोटे छोटे विद्यार्थी हैं वो भी समझ गए ना? जो आप समझ रहे हैं ना, वो राजनीति खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं है। वे भी समझदार है, लेकिन समझना चाहते नहीं हैं। आप समझदार भी हैं और देश का भला चाहने वाले युवा नौजवान भी हैं। और हां, जहां तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सवाल है, हमारा गर्व है, हमारा नॉर्थ ईस्ट हमारा गर्व है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां की डेमोग्राफी, वहां के रीति रिवाज, वहां के रहन सहन, वहां का खान पान, वहां की डेमोग्राफी, इस पर इस कानून के में जो सुधार किया गया है, इसका कोई विपरीत प्रभाव उन पर न पड़े, इसका भी प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। साथियों, इतनी स्पष्टता के बावजूद कुछ लोग अपने राजनीतिक कारणों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज का युवा ही ऐसे लोगों का भ्रम भी दूर कर रहा है। और तो और, पाकिस्तान में जिस तरह दूसरे धर्मों के लोगों पर अत्याचार होता है, उसे लेकर भी दुनिया भर में आवाज हमारा युवा ही उठा रहा है। और ये बात भी साफ है कि नागरिकता कानून में हम ये संशोधन न लाते तो न ये विवाद छिड़ता, और न ये विवाद छिड़ता तो दुनिया को भी पता न चलता कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर कैसे कैसे जुल्म हुए हैं, कैसे मानव अधिकार का हनन हुआ है, कैसे बहन बेटियों की जिंदगी को बर्बाद किया गया है। ये हमारे इनिशिएटिव का परिणाम है कि अब पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा कि 70 साल में आपने वहां पर माइनॉरिटी के साथ ये जुल्म क्यों किया। साथियों, जागरूक रहते हुए जागरूकता फैलाना, दूसरों को जागरूक करना भी हम सभी का दायित्व है। और भी बहुत से विषय हैं जिसको लेकर के समाज जागरण, जन आंदोलन, जन चेतना आवश्यक होती है। जैसे पानी ही ले लो, पानी बचाना आज हर नागरिक का दायित्व बनता जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान हो या फिर गरीबों के लिए सरकार की अनेक योजनाएं, इन सभी बातों के लिए जागरूकता बढ़ाने में आपका सहयोग